इस वीडियो में बात करेंगे ऋग्वेदिक समाज की संरचना के बारे में कि किस तरह से उनके सोसाइटी का स्ट्रक्चर था। उस समय नातेदारी समाज की संरचना का आधार थी। लोगों ने जनजाति को अपनी प्राथमिक निष्ठा दी, जिसे जन या विश कहा जाता था। विश को ग्राम में विभाजित किया गया था। जब ग्राम आपस में लड़ते थे तो यह युद्ध का कारण बनता था। उस समय का समाज ज़्यादातर पितृसत्तात्मक था, मतलब ऐसा समाज जहाँ पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ थे और महिलाओं पर उनका नियंत्रण होता था, और मोनोगैमी प्रचलित थी, मतलब एक ही बार विवाह करने की प्रथा होती थी। बाल विवाह का कोई साक्ष्य नहीं मिला। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा थी। वर्ण लोगों के रंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था, जिसे चार वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण शिक्षक और पुजारी होते थे, क्षत्रिय वर्ग के लोग शासक और प्रशासक थे, वैश्य वर्ग के लोग किसान, व्यापारी हुआ करते थे और शूद्र लोग कारीगर, मजदूर होते थे। इसी तरह से वर्णों के अकॉर्डिंगली उनके काम बटे हुए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।